बिक गई सारी ही नौकरी में कंगाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया। नमस्कार, मैं आयुषी गुप्ता हूँ न्यूज से। जैसे कि धारा 370, 35 ए और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं, वैसे ही हाल ही में निर्मला सीतारमण ने बैंकों के मर्जर से जुड़े कुछ मुद्दे पर ऐलान किया है। क्या कुछ ऐलान किया है, इसका क्या असर पड़ेगा रोजगार पर, ग्राहकों पर और अर्थव्यवस्था पर, इसी मुद्दे पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे गेस्ट के रूप में आए हैं श्री अतुल स्वरूप, सेक्रेटरी कन्फेडरेशन ऑफ बैंक पेंशनर रिटायर्स ऑर्गेनाइजेशन यूपी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू। सर, जो निर्मला सीतारमण ने इस वक्त हाल ही में ये एक बैंकों के मर्जर से कुछ ऐलान किए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उससे अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का असर पड़ेगा? देखिए, बैंकों के अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप कंट्री नहीं हैं। और ये जो मर्जर और बड़े बैंकों की बात है डेवलप कंट्रीज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जहाँ भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था रास्ते में है उसको एकदम से रोक देना और बड़े बैंकों को बनाने का कोई अर्थ नहीं है। ये अमेरिका और जो बड़े विकसित देश हैं उनके लिए तो ठीक है। यहाँ पे अभी आधी से ज़्यादा आबादी हमारी गरीबी रेखा या उसके आसपास है, हमको उन सबको सहूलियतें देनी, अगर आप बड़े बैंक बनाओगे तो हमारी एक्सेस कम हो जाएगी। दूसरे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में विरोधाभास है। एक तरफ तो छोटे छोटे बैंक, पेमेंट बैंक और छोटे छोटे बैंक बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ वो एक बड़े बड़े बैंकों को मर्जर कर रही है। तो ये उनकी नीतियों में भी विरोधाभास है, इसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आता। और आगे अर्थव्यवस्था में, चूंकि अभी हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में हमको फार्मर्स की, छोटे छोटे उद्यमियों की जरूरत है, हमको बड़े पूंजीपतियों की आज की जरूरत नहीं, ताकि सबको रोजगार मिले। इससे अगर वो मर्जर करेंगे तो नीचे जो छोटा तबके के लोग हैं उनको ऋण मिलने में बहुत दिक्कतें होंगी। सर, जैसा कि मोदी सरकार का तो ये कहना है कि रोजगार दिए जाएंगे और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, तो क्या वाकई रोजगार पर असर पड़ेगा या कुछ नए रोजगार लोगों को मिलेंगे? देखिए, मोदी सरकार ने आते ही मुद्रा लोन की नीति लाए थे। बैंकों में आज आप देख लीजिए मुद्रा लोन 90% खराब हो गए, एनपीए हो गए। तो ये कहना कि इससे छोटे छोटे रोजगार जनरेट होंगे सही नहीं है। हमारा कृषि प्रधान देश हो, आप उनको सब्सिडी दीजिए, उनको और तरह की सहायता दीजिए, लेकिन बड़े बैंक बना के आप कैसे उनको सहायता देंगे, ये समझ से परे है। तो उसको जो उनका ये कहना सरकार का कि हाँ छोटे उद्यमियों के राहत होगी, वो सही नहीं है। सर, अगर हम ये बात करते हैं कि इस पे ग्राहकों पर, जो छोटे छोटे ग्राहक हैं, मार्केट पर किस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो ग्राहकों पर मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, तो इसके बाद किस तरीके का असर पड़ेगा? देखिए, जैसे नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई थी, उसी तरह का बड़े बड़े बैंक बनाएंगे तो क्या होगा, हमारी बहुत सी शाखाएं बंद हो जाएंगी। भले ही गवर्नमेंट कह रही है कि हम छटनी नहीं करेंगे, लेकिन लोगों की एक्सेस दूर हो जाएगी। एक तरफ सरकार कहती है कि हर आदमी को 2000 पे हमारी एक बैंक की शाखा होनी चाहिए। अगर 2000 पे आपको बैंक की शाखा रखनी तो आपको ज्यादा बैंक रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बैंकों की संख्या कम करेंगे तो उनकी शाखाएं भी कम होंगी। जब शाखाएं कम होंगी तो लोगों को उतनी सहूलियतें नहीं मिलेंगी जो उनको मिलनी चाहिए। जो लक्ष्य सरकार कहती है कि हम 2000 की आबादी पे एक शाखा रखना चाहते हैं, तो 2000 की आबादी पे एक शाखा नहीं हो पाएगी, और ये गवर्नमेंट जो कह रही है गलत कह रही है। सर, लेकिन अभी अगर हम ये देखते हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो लगातार डाउन हो रहा है, और ऐसे में अचानक से ये बैंकों का मर्जर, इस पर किस तरीके का असर पड़ेगा और क्या इससे रोजगार में कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पार्ले जी जैसी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, वो भी अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही है। अगर हम एयरलाइंस की बात करते हैं, वो भी अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही है, तो सरकार की ऐसी क्या योजना रही होगी जो उसको सोचकर इस तरीके के मर्जर को उन्होंने ऐलान किया है? देखिए, सरकार की अल्टीमेट मंशा है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, और उसी की दिशा में ये एक कदम है। अभी जो बैंकों ने क्या किया, ग्राहक सेवा केंद्र खोले। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस से एक पैक्ट कर लिया, और जितने भी ग्राहक सेवा केंद्र हैं वो सारे रिलायंस वालों को दे दिए जाएंगे। तो एक बड़े पूंजीपति की मोनोपोली उस क्षेत्र में भी हो जाएगी। जीडीपी की ग्रोथ की जहां तक बात है, नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद लगातार जीडीपी गिर रही है। इसमें भी जीडीपी में कोई बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं, क्योंकि आप
जो छोटे छोटे उद्यमी है उनको आप सहायक नहीं हो पाएंगे, बड़े बैंक होंगे पूंजीपतियों के लिए देंगे। तो अल्टीमेटली जो सरकार की मंशा है कि पूंजीपतियों को लाभ दिया जाए, तो इस एकीकरण के माध्यम से भी पूंजीपतियों को ही लाभ होगा। और इसके पूर्व में भी जो बैंकों के मर्जर हुए, हम लोग ने स्टेट बैंक में भी देखा है जब 7 बैंक मर्जर कर दिए गए जिनकी शाखाएं हर क्षेत्र में सुदूर क्षेत्रों में फैली हुई थी। अल्टीमेटली अभी मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में मैं बात कर रहा था, वहां का स्टेट बैंक का पटियाला लोकल बैंक था, करीब 2000 शाखाएं बंद हो गई। तो 2000 शाखाएं जब बंद होंगे तो निश्चित रूप से वो जो ग्राहकों के आसपास लोग थे वो ग्राहकों को दूर जाना पड़ेगा। तो वो शाखाएं अल्टीमेटली छटनी अभी करें या ना करें, लेकिन अल्टीमेटली छटनी होगी, छटनी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो सरकार का ये कहना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गलत है। और इंडिया ऐसे देशों जहां पर 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, अब उसको खत्म करके अब नई दिशा में जा रहे हैं, वो आज की परिस्थितियों में ठीक नहीं है। अगर 10-15 साल बाद आप शायद ये करते जब हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती तो शायद ये ठीक होता है, लेकिन अभी जो हमारे पुराने अनुभव है, आपने 2 बैंकों का पहले भी मर्जर किया और आज भी आप नए बैंकों का मर्जर कर रहे हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि इकोनॉमी को ओवरऑल नुकसान हो रहा। सर जैसा कि 2017 में भी मर्जर हुआ था और उसके बाद 18 में भी हुआ है, तो सर इस मर्जर का सरकार ने कुछ फायदा देखा होगा तभी 2019 में किया, और इस तरह से अचानक से उनका नोटबंदी और धारा 370 बिना कोई डिसीजन का, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अचानक से इसको ऐलान करना कहाँ तक सही है? देखिए ऐलान तो अचानक नहीं है, सरकार ने सोच रखा होगा, भले उसने उसको पब्लिक ना किया हो, लेकिन सरकार ने सोच रखा था और सरकार की शायद प्राथमिकताओं में रहा होगा तभी उसने ऐलान किया है। लेकिन जहां तक पुराने मर्जर की बात है, आज तक उसका कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि अभी भी जो बैंक मर्ज हुए हैं वो एंटिटीज अभी भी दोनों में समाहित नहीं हो पाई। दूसरी चीज, हमको ज्यादा शाखाएं चाहिए, छोटी शाखाएं चाहिए। अगर आप बड़े बैंक बनाओगे तो उससे हो सकता है पूंजीपतियों को फायदा होगा, किसी को 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ की जरूरत है तो हो सकता है उसको फायदा हो, लेकिन जिसको 10,000 की जरूरत है उसको इससे फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसको शाखा देगी नहीं। तो अगर आप छोटे उद्यमियों का, किसानों का, गरीबों का भला करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा शाखाएं रखनी पड़ेंगी, उसके लिए बड़े बैंकों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप सरकार, अगर ये मोदी सरकार सबकी है और छोटे तबके के लोगों के लिए भी है, तो ये शाखाएं जितनी बढ़ेंगी उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा और उतना ही लोगों को फायदा होगा। सर जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक से मर्ज कर दिया गया है, तो ये कहां तक सही है? देखिए इसमें तो कुछ राजनीतिक भावना लगती है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस है कलकत्ता में और इलाहाबाद बैंक की शाखाएं बहुत हैं, इंडियन बैंक उसके आगे बहुत छोटा है, बल्कि इंडियन बैंक बीच में लास्ट में भी चला गया था, उसके बंद होने की बात हो रही थी। तो एक छोटे बैंक के साथ एक बड़े का बैंक का मर्जर ठीक नहीं लगता। इसी तरह और भी बैंक है जहां एक पर्टिकुलर स्थान से, एक पर्टिकुलर एरिया से आप उनका हेड ऑफिस खत्म करना चाहते हैं, तो लगता है ऐसा है कि राजनीतिक भावना है इन मर्जर के पीछे और वो ठीक नहीं, क्योंकि आपने जो लक्ष्य दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो मर्जर से वो लक्ष्य आपका पूरा होता दिखता नहीं है और ऐसा लगता है कि आप उसके विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और एक विशेष वर्ग के लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो ये योजना चलाई जा रही थी, जो मोदी सरकार की जो मंशा थी वो पूरी होते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जो छोटे तबके के लोग हैं उनको इस चीज का कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। सर अगर हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि इससे बैंकों को एक बड़े अमाउंट में पूंजी मिलेगी और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बैंक बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इससे निर्मला सीतारमण की ये जो सोच है क्या वो सही है? देखिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो ऐलान किया है वो भारत के विकास के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है और विकासशील देशों में हमको बड़े बैंकों की आवश्यकता नहीं है, हमको छोटे छोटे बैंक चाहिए। शुरुआत में सरकार ने छोटे छोटे बैंक को लाइसेंस दिए, अब एकदम उसके विपरीत आप बड़े बैंकों को मर्जर कर रहे हैं। हमारे जैसे इकोनॉमी में, हमारे जैसे देश में जहां अभी भी आधी जनता के पास कोई उद्यम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, आप बड़े बैंकों का क्या करेंगे?
हमको ठीक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम होगा, लेकिन हमको उसका फायदा मिलने वाला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमको छोटी पूंजी की ज्यादा आवश्यकता है, हमको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता आज की डेट में नहीं है, क्योंकि हमारे पूंजीपतियों की संख्या बहुत कम है, बड़े उद्योगों की संख्या कम है, छोटे छोटे उद्योगों की संख्या ज्यादा, जिसके लिए हमको कम पूंजी की आवश्यकता है उसके लिए हमको छोटे बैंकों की आवश्यकता है, ना कि बड़े बैंकों की। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको उसको फायदा हो, लेकिन भारत जैसे विकास देश सेल की जनता को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सर, अगर एक कोई मैसेज की बात कही जाए कि अगर आप सरकार से कोई अपील करना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप खुद एक पेंशनर रिटायरमेंट से हैं, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि बैंकों का जो सरकार की जितनी भी नीतियां रही हैं, अभी चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे जनधन योजना हो, अभी भी अटल पेंशन योजना और जितनी भी योजनाएं चल रही है, सुरक्षा बीमा योजना, सब बैंकों के माध्यम से चली, और बैंकों का बहुत बड़ा योगदान, 21,000 करोड़ खाते हमने खोले हैं बैंकों ने जनधन योजना में, सबसे ज्यादा स्टेट बैंक का योगदान है, लेकिन बैंक वालों की सरकार नहीं सुन रही। अभी हमारा 11 द्विपक्षीय समझौता लंबित है, 1 नवंबर 2017 से लंबित है, 2 साल करीब हो रहे हैं, लेकिन बैंक उस पर ध्यान नहीं दे रही। इसके अलावा बैंकों की पेंशन जो है वो बहुत कम है, हमारी पेंशन लगातार बढ़ती नहीं, जैसे सरकारी विभागों में है कि उनकी पेंशन जब भी समझौता होता, वेतन समझौता, उसके साथ पेंशन भी बढ़ती है, हमारे यहाँ वेतन समझौते के साथ पेंशन नहीं बढ़ती। तो जो लोग पुराने रिटायरीज, उनको बहुत पेंशन कम मिल रही है, उनका जीवन निर्वाह होना बहुत कठिन है। तो सरकार को हम लोग इस बारे में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, मैंने स्वयं में लखनऊ से सांसद हमारे राजनाथ सिंह जो इसके पहले गृह मंत्री थे और आज रक्षा मंत्री है, उनको दिया है, हमने उस समय के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जी को दिया, शुक्ला जी को दिया है, हम लोग ने वहां जाके भी दिया है, निर्मला सीतारमण जी को भी हमने रिप्रेजेंटेंट दिया है, लेकिन अभी तक सरकार हमारी जेन्यून बातों पे सुनवाई नहीं कर रही। आज की स्थिति यह है कि बैंक पेंशनर और रिटायरीज, खासकर जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन मात्र 7-8 हजार रुपये महीना है। अब आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है नौकरी में और जिसके 2 बच्चे हैं, 7-8 हजार रुपये में क्या कोई आदमी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? सरकार इन मांगों पर लगातार बात करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, और बैंकों के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं, आज रात में 11-12 बजे तक जनधन जब योजना आई, जिस टाइम डिमोनेटाइजेशन आया, रात रात भर लोगों ने काम किया, और लोगों की अपेक्षा थी कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी और कि अच्छा वेतन समझौता होगा, पेंशन और रिटायरीज की मांगे भी मानी जाएंगी, जबकि उसमें सरकार को अपनी जेब से कुछ नहीं देना, सारे फंड्स बैंक के पास है, बैंकों को देना है, बैंक के पास पर्याप्त फंड भी है, लेकिन सरकार से चूंकि क्लियरेंस चाहिए और सरकार को क्लियरेंस नहीं दी है, इसलिए बैंक वालों की जो अपेक्षा वो पूरी नहीं हो पाई, बहुत हतोत्साहित है सारे बैंक वाले, और उसके बाद मर्जर के बाद भले ही आज छटनी नहीं हो रही, लेकिन आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा बैंकों में, ये तय है। आप आज भले ही करें हम छटनी नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग रिटायर होते जाएंगे उनकी जगह पर नए लोग नहीं आएंगे, तो आगे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां इतने एम्प्लॉयज है, धीरे धीरे एम्प्लॉयज कम होते जाएंगे। अभी भी रिसेंटली आपने देखा महिंद्रा, उसने कहा 17 दिन का हम ले ओवर करेंगे, मारुति फैक्ट्री उसने कहा हम ले ओवर करेंगे, शायद बैंकों की भी स्थिति 2-4 साल 5 साल बाद जब ये स्टाफ चला जाएगा, ऑलरेडी ट्रेमेंडस प्रेशर में वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि सारी उनकी योजनाएं सिर्फ बैंकों के माध्यम से चल रही है, लेकिन फिर भी उन बैंक वालों की जेन्यून जो मांगे हैं, जो हमारी लगातार 2017 से वेतन समझौता लंबित है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये हमारी अपेक्षा है सरकार से कि इन बातों को भी देखे कि सारी उसकी जो योजनाएं हैं वो बैंकों के माध्यम से संचालित हो रही है, तो बैंक वालों की जेन्यून मांगे उस पर भी वो ध्यान दे, यही मेरी इस के माध्यम से एक अपील है, एक विश्वास है कि शायद हमारी बात सुनेगी। धन्यवाद। भी आशा करती हूँ कि बैंक के कर्मचारी और जो बैंक से जुड़े लोग हैं, आज सर ने जो अपील की है सरकार से, वो सुनी जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। और आज के लिए बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। बिक गई सारी नौकरी में कंगाल हो गया, कोई करके